देशभर में 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक भी सीट हाथ नहीं लगी। उम्मीदों से उलट इन परिणामों के बाद अब कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। ये कमेटी मध्य प्रदेश में हार के कारणों का पता लगा रही है, जिसके जरिए कांग्रेस आगे की रणनीति पर काम करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार किसी से छिपी नहीं है। संसद में स्ट्रांग विपक्ष होने के बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नाम और निशान तक नहीं बचा। ये जानने के लिए आज राजधानी भोपाल में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की एक बैठक रखी गई। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में पार्टी के सीनियर नेता समेत 29 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों से चर्चा हुई। 1/18 में हम थोड़ी सीटें हमारी ज्यादा थी और स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी है। तो जब तक कोई बीमारी को डायग्नोस नहीं किया जाएगा, समस्या को पता नहीं किया जाएगा और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और फिर उसका समाधान नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक हम ईमानदारी से उस बीमारी को दूर नहीं कर सकते। बैठक के बाद रिपोर्ट तैयार कर शीर्ष नेतृत्व को सौंपी जानी है, लेकिन कांग्रेसी चर्चा छोड़ बीजेपी पर तंज कसने से बाज नहीं आ रहे। कांतिलाल भूरिया ने तो कांग्रेस की हार को छोड़कर बीजेपी पर ही निशाना साध दिया और कांग्रेस की तारीफों के पुल बांधने लगे। पूरा प्रदेश इस बात को कह रहा है कि ये बेईमानी से ये सब हुआ। कभी इतिहास में आपने सुना देखा नहीं होगा कि एक साथ 29 की 29, तो उन्होंने निश्चित ही कोई बड़ा खेल किया है। तो ऐसे लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग कैसे जनता को मदद करेंगे और किस तरह से काम करें? जनता की वजह से ये लोग नहीं आए, इन्होंने अपने हर तरह से मैनेजमेंट करा, उन्होंने मैनेजमेंट करके ही ये 29 की 29 सीट ली है। तो वहीं कमलेश्वर पटेल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बोली बोलने से भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि कहीं भी ऐसी संभावना नहीं थी, बहुत विरोध था। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के सीधी हमारी लोकसभा में गए थे, 300-400 की सभाएं राजनाथ सिंह ने की थी, वो नाराज होकर आए थे सीधी सिंगरौली। नड्डा जी गए थे, 1000-2000 लोग बमुश्किल जुट पाए थे। मुख्यमंत्री जी गए थे तो 1000 लोगों का 500-600 की मीटिंग करके आए थे। तो कहीं ना कहीं यही जनता जनार्दन तो मत भी देती है ना, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो है इस विषय में। 29 जून को फैक्ट फाइंडिंग बैठक के साथ 30 जून को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की भी बैठक है, लेकिन कांग्रेस इस बैठक में चर्चा कर संगठन में बदलाव करेगी या बीजेपी पर वार ही करती रहेगी, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कहना है कि कांग्रेस की कमियों को, कमजोरियों को दूर कर संगठन को मजबूत किया जाएगा। देखिए, हम 3 AICC की ओर से हमारे मध्य प्रदेश यूनिट के साथियों से मिलने आए हैं। मेरे साथ जिग्नेश मेवानी जी हैं और सप्तगिरी ओलाका जी जो सांसद है उड़ीसा से। हम 3 लोगों की कमेटी बनी है। एक रिपोर्ट हम भेजेंगे AICC के कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी को और राहुल जी को, ताकि हम मध्य प्रदेश में फिर से कैसे मजबूती से सरकार बना पाए एंड कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत कर पाए, उसी के बारे में प्रयास है। हमारा काम है कि ये पता करना कि एक्चुअली क्या हुआ। ये कांग्रेस पार्टी दूसरी है, अभी चेंज हो गई है। हम जो करते हैं, अगर कमेटी बनता है तो फिर हम उसके एक्शन भी लेते हैं।